नमस्कार दोस्तों, जसबीर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कुछ हमारे न्यू टेक्नीशियन हैं, कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं जो न्यू टेक्नीशियन बने हैं और काम सीखने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम है। काम अभी वो नए नए सीखना शुरू किया है, वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। यदि आप ट्रेनिंग लेने में मुश्किल आ रही है, कहीं पर आपके नज़दीक सेंटर नहीं है या किसी को अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं, मैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। जो यदि आपने जो चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका धन्यवाद, ये नहीं किया तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हर वीडियो चैनल पर मिलता रहेगा। आपको इस इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी किसी फॉल्ट न्यू फॉल्ट आएंगे, जैसे जैसे एलईडी में या कोई और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में, मैं उस पर वीडियो बना के देता रहूँगा आपको। मेरा आपसे ये वादा है, आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऑनलाइन आपको इस चैनल पर हर तरह का वीडियो बना के देता रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका धन्यवाद। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यह है एक फिलिप्स का होम थिएटर। ये टावर टाइप का जो होम थिएटर है, इसमें इसका जो मॉडल नंबर है ये आपके सामने रहा, ठीक है। और इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको दिखा देते हैं। हमने इसको पावर दे दी, यहाँ पे इसका पेन ड्राइव अटैच होती है, देखिए। और इधर इसका बेस के लिए जो होल दे रखा है आउटपुट के लिए, यहाँ पे इसका प्लेट है, ये इसका लोगो है। और यह है इसका मेन डिस्प्ले, जहाँ पर इसका डिस्प्ले आता है, और एक ये बटन दे रखे हैं ऑन करने के लिए और ऑप्शन देने के लिए। हम जब इसको ऑन करते हैं, एक बार ये देखिए, ये पावर सिग्नल इसमें आ चुका है। जब हमने इसके ऑन किया, ये देखिए ऑन हो चुका है, यूएसबी इसमें लिखा आ चुका है। और ये रहा इसका वॉल्यूम बटन, हमने वॉल्यूम कर दिया, इसका वॉल्यूम प्लस का बटन है, वो हम दबा के रखें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और यहाँ से भी इसका डायरेक्ट को वॉल्यूम दे रखा है, हमने फुल कर दिया, ये प्ले हो चुका है। लेकिन पेंटर एक बार निकाल के, एक बार लगा के दोबारा देखते हैं, ये देखिए ब्लिंकिंग से पता लग रहा है कि इसने यूएसबी को एक्सेप्ट कर लिया है। इसमें यही प्रॉब्लम है, इसमें कोई भी साउंड इसमें नहीं आता। ये आउटपुट हमने अलग स्पीकर लगा रखा है, जिसके अंदर इनपुट बेस है, वो भी हम इस टाइम कनेक्ट है। कनेक्ट होने के साथ साथ इसमें कोई भी स्पीकर आउटपुट और जो अंदर का बेस आउटपुट है वो नहीं आ रहा। आज हम इस पर वर्क करने वाले हैं। जो इसमें प्रॉब्लम हमको मिलेगा वो आपको से शेयर करेंगे। तो दोस्तों, हम इसमें वर्क कर रहे हैं और आपको इसके बारे में जो भी हमको प्रॉब्लम मिलता है आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों देखिए, इसको हमने ओपन कर लिया, थोड़ा डिटेल्स इसके बारे में, प्लेट के बारे में दे देते हैं आपको। ये इस तरह का प्लेट है, इसमें देखिए, इसमें 7265 नंबर, हाँ 7265 नंबर, इसमें दो आईसी लगे हैं। एक है आउटपुट, दो स्पीकर लगाने के लिए है, एक है बेस के लिए। ऐसा इसका प्लेट देखने में है, वही जैसे आम बूफर में होता है, आम होम थिएटर में होता है। 25 वोल्ट इसको चाहिए तो 25 वोल्ट इसे प्रॉपर है। एक बार आपको चेक कराने की कोशिश करते हैं, देखिए हमने जो पिन है उल्टा लगा रखा था, अभी सीधा कर लेते हैं इसको एक बार। एक हाथ से हम टच करके दिखा देते हैं, क्योंकि हाथ में हमने मोबाइल पकड़ा है। ये देखिए 26-25 वोल्ट जो होता है इसमें प्रॉपर है। इस आईसी पर, इस आईसी पर दोनों सप्लाई अच्छे से जा रही है। और ये हमारे पास एक टेक्नीशियन के थ्रू आया है, उसने कुछ वर्क किया हुआ है, देखिए ये आईसी इस पर वर्क हुआ है। आईसी उन्होंने रिप्लेस करके वो भी देखा था शायद, इसको सोल्डरिंग किया है, हमको नहीं पता क्या किया है, लेकिन क्लियर एक प्रॉब्लम हमके सामने आया है। हमने देखने को देखा सामने, हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि हमको पता लग रहा है इसमें, ये देखिए आप सुन पा रहे हुए, ये बेस का आईसी जो ऑडियो दे रहा है इधर है आउटपुट स्पीकर के लिए, आप सुन पा रहे हुए, मतलब क्या है, इसमें जो प्लेट का साउंड है वो वर्किंग कंडीशन में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा जो प्रॉब्लम है हमारा, जो ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ है जिसको हम कार्ड बोलते हैं या कुछ भी कह लो, इसी के अंदर हमारा प्रॉब्लम है। तो इसमें बोर्ड में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इसको इस बोर्ड ने ऑडियो देनी है, वो ऑडियो आउटपुट दे रहा है, लेकिन जहाँ से साउंड इनपुट होगी
वो इस प्लेट के थ्रू होगी। हम इसको खोल के इस पर वर्क करते हैं कहाँ प्रॉब्लम है और आपसे ये इसका जो प्रॉब्लम है आपसे शेयर करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसके पैनल को ओपन कर लिया है। देखिए इसके फ्रंट को, इसमें लगा है ये सॉकेट पेन ड्राइव के लिए, और इधर जो मेन बोर्ड है जिसमें LED सिग्नल दे रखे, साथ में इनपुट दे रखा है, सब कुछ इसी सर्किट के अंदर है। जैसे मैंने चेक किया, यहाँ पर जो आएगा इसमें ऑडियो यहाँ पर नहीं पहुँच रहा। यहाँ पर तीन जैक दिए गए हैं, देखिए थ्री वायर है। थ्री वायर में से आपको एक बार डिटेल देना चाहता हूँ कि क्या क्या इसमें दे रखा है मैंने। एक वायर तो है FM के लिए, ये देखिए एंटीना। दूसरा वायर है जो ऑडियो USB की ऑडियो यहाँ पर बोर्ड में इनपुट होगी, ये देखिए। और एक है इसका 5 वोल्ट ग्राउंड क्लॉक डाटा और स्टैंड बाय, यहाँ से सिग्नल के थ्रू बोर्ड ऑन ऑफ होगा। वहाँ से ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पर ऑडियो आउट होगा और यहाँ पर डाटा क्लॉक के सिग्नल दिए गए हैं। मैंने जैसे चेक किया सभी प्रॉपर वर्किंग में वहाँ जा रहे हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, जो ऑडियो उस बोर्ड पर जाएगी, कार्ड पर जाएगी, यहाँ से वो ऑडियो हमको यहाँ पर नहीं मिल पा रही। जैसे मैंने दिखाया था यहाँ पर ऑडियो सही है बेस के लिए, यहाँ पर ऑडियो आउटपुट स्पीकर के लिए जैसे मैंने लगा रखा है सही है, लेकिन इस सर्किट से होकर या IC के थ्रू इनपुट तो ऑडियो हो रही है, लेकिन जब इस IC तक ऑडियो आ गई है, लेकिन आउटपुट यहाँ से होकर इस जैक के थ्रू, ये रहा इस जैक के थ्रू हमको जो ऑडियो मिलनी चाहिए, ये रहा जैक, वो मैंने दिखाया आपको, ये रहा ये वाला। इस जैक के थ्रू ऑडियो यहाँ से हमारे कार्ड में इनपुट होगी, लेकिन ऑडियो यहाँ पर हमको नहीं मिल पा रही। आपको एक बार दिखाते हैं, देखिए पावर आ गया, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। देखिए ऑन होने के बाद USB लिखा आ गया, USB प्ले भी होगी। देखो आपको आवाज सुन रही होगी, देखिए हल्का हल्का इसमें आवाज़ आ रहा है, लेकिन प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रहा, मतलब इसमें ऑडियो, देखिए यहाँ पर ऑडियो बिल्कुल भी नहीं आउट हो रही। तो अभी जो प्रॉब्लम है हमारा इस IC के अंदर है, इनपुट यहाँ से, देखिए एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। ऑडियो सुन पा रहे होंगे, देखिए मैं दोबारा से एक बार ऑडियो आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ध्यान से सुनिए, तो ये देखिए ऑडियो यहाँ से IC तो आउट कर रहा है, लेकिन सर्किट के थ्रू यहाँ से IC से होकर इन पे इनपुट हो रही है, और लेकिन आउटपुट ये IC करेगा। देखिए तो यहाँ पर ऑडियो आउटपुट नहीं हो रही, तो अभी सर्किट में देखने क्या प्रॉब्लम निकलता है। ये तो हमको IC ख़राब हो सकता है, तो इसको डायरेक्ट ऑडियो दे देंगे फिर भी हमारा काम बन जाएगा। अभी मैं इस पर वर्क करने पर रहा, देखते हो कि इस पर क्या फॉल्ट है, तो आपसे नेक्स्ट वीडियो का पार्ट शेयर करता हूँ। जो यहाँ पर हमारा, मैंने जैसे बताया था, देखिए आपको दिख रहा होगा फुल डिटेल आपको एक बार दे देते हैं इसमें। देखिए 5 वोल्ट ग्राउंड क्लॉक डाटा और स्टैंड बाय, जो क्लॉक डाटा और स्टैंड बाय के सिग्नल है, उन्होंने जो मदरबोर्ड का जो इसका कार्ड है, जो USB कार्ड, ये रहा देखिए, इसमें दे रखा है उन्होंने इनका कनेक्शन। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 5 वोल्ट ग्राउंड, ये देखिए डाटा क्लॉक और स्टैंड बाय, देखिए रहे तीनों फंक्शन उन्होंने यहाँ अटैच कर रखे हैं। ये प्रॉपर वर्किंग में है, और जो IC ये काम करता है, मैंने इसका डाटा सेट निकाला है, देखिए इसका नंबर CSC2313 है। और ये क्या करेगा, डाटा जो क्लॉक का, इसका जो कनेक्शन है कार्ड का, इस कार्ड का, ये तीनों ऑप्शन इसी कार्ड से अटैच है, इस कार्ड का कनेक्शन इस IC के साथ अटैच है। देखिए ये रहा इसका डाटा, ये रहा क्लॉक, दोनों कनेक्शन, ये देखिए यहाँ से होकर यहाँ पर IC पे इनपुट हो रहे हैं। ये क्या कर रहा है IC, मैंने सर्किट में चेक किया, ये इनपुट लेगा ऑडियो, और उसी कार्ड के थ्रू ऑडियो कंट्रोल भी करेगा, लेफ्ट राइट जो है वो फंक्शन काम करेगा, और बास और ट्रेबल का भी काम यही IC कर रहा है, और कुल मिला के वो हमारा जो कार्ड है वो तो काम कर रहा है।
कंट्रोल कर रहा है, पेन ड्राइव भी वर्क में है, लेकिन ये ऐसे ही हमारा कोई भी वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर रहा, ना ही अच्छी आवाज़ आउटपुट हो रही है, ना ही ये कंट्रोल कुछ भी कर रहा है, मतलब ऐसे ही 100% ख़राब लग रहा है मेरे को। मैंने इसको सोल्डरिंग करके थोड़ा वॉश भी कर लिया। इस पर 5 वोल्ट से 5.5 वोल्ट आए हुए हैं, एक बार चेक करा देता हूँ आपको। मैंने इसको ऑन कर लिया है, देखिए ऑन हो चुका है, यूएसबी प्ले हो चुकी है। और ये देखिए यहाँ पर जो इन्होंने अलग से वायर लगाया है, यहाँ पर 10 वोल्ट इनपुट है, ये देखिए। और इन्होंने 220 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाया है, देखिए उससे इन्होंने 5.7 वोल्टेज दे रखे इस आईसी को। यहाँ पर 2 नंबर पिन पे इसका इनपुट वोल्टेज है, देखिए एक नंबर है, उसके साथ वाला 2 नंबर है, इधर से एक नंबर स्टार्ट है, और ये देखिए यहाँ पर 5.7 वोल्ट इनपुट है। ये आईसी कोई भी काम नहीं कर रहा, इनपुट मैंने देखे देख लिया। और मैंने क्या किया, एक 100 ओम का रेजिस्टेंस अलग से लगा के इसको वोल्टेज देखिए बढ़ा के इसको 8 वोल्ट भी देके देख लिया। 100 ओम देने से 8 वोल्ट बोल जाता है, लेकिन ये आईसी फिर भी कोई वर्क नहीं कर रहा, मतलब ये आईसी ख़राब है। मैंने डायरेक्ट करके देखे इसके कनेक्शन, अभी आपको भी दिखाता हूँ। उसमें हमारा जो है होम थिएटर चल तो जाता है, लेकिन इसमें कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट एक वॉल्यूम हो जाता है। मैं आपको एक बार चला के भी दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने जो इनपुट है देखिए इसका कार्ड का, वो इधर से ले लिया है, और जो साउंड का आउटपुट है उसके अटैच साथ इसको कनेक्शन को कट करके आउटपुट, मतलब किसी कनेक्शन नहीं कट किया इसको कनेक्शन से, डायरेक्ट यहाँ से इनपुट से ऑडियो आउटपुट की तरफ किसी कनेक्शन मैंने डायरेक्ट दे दिया। और इसमें क्या प्रॉब्लम रह गया, बाकी ये कंट्रोल नहीं करता, हमारा जो होम थिएटर है हमारा सिस्टम जो अच्छे से चल गया है। एक बार आपको चला के भी दिखाते हैं। आप देख रहे हैं ये चल चुका है हमारा सिस्टम, देखिए देख रहे हैं सिस्टम हमारा ओके वर्क कर रहा है, लेकिन जो कंट्रोल है देखिए एकदम से फुल और एकदम से कंट्रोल है, देखिए तो ये प्रॉब्लम इसमें अभी हमको देखना पड़ा। बाकी सिर्फ कंट्रोल का प्रॉब्लम है, हम चाहें तो इसमें अलग से टोन गा के इसको चला सकते हैं, लेकिन ऐसा मेरे को नहीं लगता सही रहेगा। हम कोशिश करते हैं इस आईसी को ढूंढने में, नहीं मिलता तो देखते हैं क्या बन पाता है। हमारा टोटली जो सिस्टम है अच्छे से वर्क कर गया है ये डायरेक्ट करने से, लेकिन जो आपने देखा कंट्रोल करने वाला सिस्टम है वो नहीं चला। इसके लिए भी हम इस पर और वर्क करेंगे, देखते हैं हमारा क्या इसमें सिस्टम बन पाता है। ये मैं वीडियो नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये आईसी अवेलेबल नहीं था, और मैंने जुगाड़ बनाने का कोशिश किया लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, तो मैं नेक्स्ट डे वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैंने जो ये आईसी ख़राब था CSC2313F, और इसमें मैंने दिखाया था आपको कल, यहाँ पर आउटपुट में 5.6 वोल्टेज थी यहाँ पर 2 नंबर पिन पर, लेकिन वो आईसी सप्लाई ड्रॉप कर रहा था। मैंने एक रेजिस्टेंस लगा के 100 ओम का मैंने सप्लाई दे के देखा था, इस पर आपको दिखाया था 8 वोल्ट, फिर भी ये इसने कोई वर्क नहीं किया। तो अभी देखिए मैंने आईसी डाल दी, इसको अच्छे से वॉश कर दिया है, और यहाँ पर जो सप्लाई था लगभग 5.6 वोल्टेज वो 9 वोल्टेज है, और क्लियर है कि 9 वोल्टेज पर ही ये आईसी वर्क करेगा। इन्होंने आईसी ने कोई सप्लाई ड्रॉप नहीं किया। यहाँ पर ये देखिए पीछे
पीछे सप्लाई बढ़ चुकी है, 11 वोल्ट थी अब 14 वोल्ट है। यहाँ हमको कोई मतलब नहीं 12 हो 14 हो, लेकिन ये देखिए हमारे आईसी के जो 2 नंबर पिन है उस पर 9 वोल्ट आएंगे, और 2 नंबर ही इसका VCC मेन सप्लाई है। इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए 2 नंबर पिन पे सप्लाई आएगी। ये देखिए ये 9 वोल्ट बिल्कुल सही से प्रदर्शित है, हमारा सिस्टम बिल्कुल ओके से चल चुका है। और अभी आपको इसके बारे में एक बार इसको रिजल्ट दिखा देते हैं आपको, हमारा सिस्टम है जो बिल्कुल ओके हो चुका है। देखिए ये देखिए जो कंट्रोल नहीं कर रहा था वो कंट्रोल कर चुका है और आपके सामने चल रहा है। देखिए ये इसका एक्स्ट्रा स्पीकर चल रहा है और ये चल रही है इसकी बेस। दोस्तों आपने देखा बिल्कुल जो था हमारा होम थिएटर बिल्कुल सही से वर्क कर चुका है। ये आईसी का प्रॉब्लम था, जो आईसी में क्या क्या इसमें डिफरेंस होता है, कितनी कितनी सप्लाई इसको मिलेगी, कहां से मिलेगी, टोटल हमने इस वीडियो में आपको बता दिया। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर हमारे पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर आगे मिलते रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। जय हिंद जय भारत।